कोटा की गुमानपुरा थाना पुलिस ने आज तेल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में तेल के पीपे बरामद किए हैं। एक दिन पहले ही इस गैंग ने एरोग्राम सर्किल के पास सब्जी मंडी के गोदाम में नकबजनी की वारदात की थी और वहां से तेल से भरे 60 से 70 पीपे चुरा कर ले गए थे। चोरी की वारदात के बाद गोदाम मालिक सुमित जैन ने प्रकरण दर्ज करवाया तो पुलिस हरकत में आई और एक दिन बाद ही आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने आरोपी अजय सालवी, दीपक, सोनू कुमार और राजेश भाटी को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने तेल के 50 पीपे भी बरामद किए हैं। पकड़े गए चारों आरोपी कोटा की छावनी नगर निगम कॉलोनी के निवासी हैं और चारों पर कई संगीन प्रकरण पहले से ही दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस चारों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। सब्जी मंडी में एक व्यापारी हैं सुमित जैन, उनका गोदाम है जिसमें से तेल के पीपे चोरी हो रहे थे, जिसने मुकदमा कल दर्ज कराया हमारे यहाँ, जिसमें आज इस वारदात को ट्रेस करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अजय सालवी, सोनू कुमार, दीपक और राजेश सिंह हैं, जिनसे 50 पीपे तेल के बरामद किए हैं। इसके अलावा इन्होंने और कहाँ कहाँ बेचे इसके संबंध में जानकारी की जा रही है। पुराने हैं ये? हाँ, इनके पुराना रिकॉर्ड है, 10 मुकदमे, 4 मुकदमे, 5 मुकदमे इनके दर्ज हैं। इन्होंने गोदाम को ही बनाया निशाना या कुछ और कराना है? इन्होंने गोदाम के ऊपर से जो था ऊपर चद्दर थी उसको खोलकर और वहाँ से ये पीपे चोरी किए। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें कोटा खबर.com पर, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।